बोला था लास्ट में था इस बार दिए अब समझे गोफरों तुम्हारा टूट गया। और भाई की जो तमन्ना है वो तमन्ना पूरी कर देते हैं भाई क्या तो ये आज सुबह का सामने का नज़ारा है। कल रात हुई है बहुत भयंकर बारिश। हम लोग ट्रैक करके आगे दो तीन बड़ी अच्छी धूप रही, पूरा सनबर्न से हाथ पूरे काले हो गए और साथ में गर्दन भी पूरी काली, कान काले। ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल को झंडा फहराने के लिए। 15 अगस्त आज मनाओगे तुम लोग कि कल को भी जाओगे? हैं कल को भी जाओगे? तो ऐसे सारे बच्चे जा रहे हैं मतलब रिहर्सल पर जा रहे हो ना आज? तो ऐसा रिहर्सल पर जा रहे हैं। तो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग गए थे होटल देवलॉक में, होम स्टे है, मतलब होटल नहीं, आप समझ लो कि ये होम स्टे है। तो फिलहाल हमारी जो प्लान है, हम लोग जा रहे हैं सगर से चौपता, फिर चौपता से देखेंगे क्या होता है। भाई को चौपता उसने रट लगा रखी है, जब से आया हुआ है तब से चौपता बोलता है। तो यह है नीरज भाई का होम स्टे। नीरज भाई एक बार फिर से नंबर बोल देना, पहले वाले ब्लॉग में बोला था लास्ट में था, इस बार शुरू आ रहे में बोल दो 9897610192। हाँ तो इनसे कांटेक्ट करके आप आ सकते हो। और भाई साहब ये हमारे लखपत जी, आप अपना नंबर बता दीजिए 9936665436। हाँ आपको कहीं मंडल आना हो, गोपेश्वर आना हो, चौपता जाना हो तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है। तो फिलहाल मौसम ऐसा है, आज हम लोग देखते हैं हमारे प्लान एग्जीक्यूट हो पाते हैं नहीं पाते, क्योंकि कोहरा बहुत भयंकर लगा हुआ है नीचे। अच्छा हाँ ये वो इंसान है अगर जो... कुछ बोल दिए अब समझे गोफरो तुम्हारा टूट जाएगा। जिसकी जगह सही हुई है बाकी तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है तुम्हारा तो देखो ये होगी ट्रिप स्टार्ट ना, मिलियन व्यूज पा जाए तो कहीं ना। और अभी हम सकर विलेज से निकल गए और पूरा मौसम है बहुत ज्यादा औसम। तो आप देखो क्या पंच लाइन तो मारेंगे। ये था रुद्रनाथ जी का गेट, जय रुद्रनाथ भगवान, उन्होंने हमारी यात्रा सफल कर दी। ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, मैंने आपको शुरुआत में जाया था, ये बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं अभी सारे के सारे। और भूख को कोहरा लगा हुआ है आज, तो अब पता नहीं हम लोग चौपता में हमको व्यू मिलेगा नहीं मिलेगा आज, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई नहीं फिर भी देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे और भी हैं, वैसे जहाँ हम रुके थे वो बेस्ट था, जहाँ पे धूप बची है ना। ऊखी मठ है यहाँ से 64 किलोमीटर और केदारनाथ है यहाँ से 115 किलोमीटर। तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं आराम से। और मंडल गांव है यहाँ से करीब आपके 9 किलोमीटर। मंडल गांव बर्ड सेंचुरी बहुत अच्छी है, वहाँ पे है एक अनुसुईया माता का मंदिर और साथ में अत्रि मुनि का आश्रम, वो भी एक ट्रैक है, उधर वाटरफॉल बहुत ज़बरदस्त है, तो आप वहाँ भी जाने का प्लान कर सकते हैं साथ साथ में।
तो नीचे था वो पूरा मंडल गांव, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो होती है आपके मस्क डियर के लिए, मोनाल के लिए और घुरड़ काकर जितने होते हैं पहाड़ों में, उन सब के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है। इतनी हाइट में आ गए हैं, पूरे नीचे पूरा फॉगी फॉग है, हम ऊपर हैं, बादल सारे के सारे नीचे हैं, तो ये बेहतरीन नज़ारा है, इतना जबरदस्त। आप देखिए ना ये क्या सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ गया। ठंड भी लाजवाब है अभी, और रास्ता इतना खूबसूरत है ना यहाँ से, आप कल्पना नहीं कर सकते रास्ते की। मौसम देखिए, वो उधर पे बहुत सारे स्टे भी हैं, और भाई की जो तमन्ना है वो तमन्ना पूरी कर देते हैं। भाई क्या चौपता जाऊंगा, गाड़ी की छत पे बैठ के फोटो खिंचाऊंगा, जय श्री राम के पीछे पांव रखना भाई हैं, बस ये तो ये ऐसा भाई बैठ गया है ऊपर, तो हम लोग एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं इसके साथ, तो हमारा थंबनेल के काम भी आ जाएगी। तो यहाँ आके धीरे धीरे कुल्फी जमने लगी है भैया, यहाँ ठंडा इतना भयंकर, अभी सिर्फ गाड़ी से बाहर निकले थे फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उसमें ठंडा इतना, तो मुझे लगता है कि वापस जो बैग पैक किया था उसे जैकेट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद से पहुँच उड़ा लेंगे, क्योंकि बारिश तो है अभी। फिर चौपता पहुँचते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे क्या सीन शॉट होता है। पहुंच चुके हैं चौकता, क्या सुंदर नजारा है, वाह। हम लोग हैं चौकता में, आप देख रहे हैं हल्के की बारिश हो रही है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वाला ट्रिप जरूर देख लेना, यहीं से चौकता से स्टार्ट होने वाला है, आपको पता चली गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।